हेलो फ्रेंड्स, मैं बबली आप सभी को स्वागत करती हूँ एनडी लवली गार्डन में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड्स, और मैं इसको फ्री में अपने गार्डन में ऐड की हूँ, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, हम एक बार पूरे गार्डन को देख लेते हैं। गार्डन दिखाने से पहले मैं आप सबसे आग्रह कर लेती हूँ, वीडियो पूरे ज़रूर देखना फ्रेंड्स, और थोड़ी भी पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना फ्रेंड्स। तो 2-3 दिन पहले की दिखा रही हूँ, आज का अभी दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये दो जो आप देख रहे हैं बोतल में लगा हुआ है, दोनों बच्चे ने लगा के गए हैं फ्रेंड्स। मैं पानी में लगाई हूँ, तो नव्या भी कुछ दिन पहले छोटे से खिलौने वाले कप में लगाई थी, पर उसमें पानी जल्दी सूख जाता है या वो गिर जाता है तो पानी नहीं रहता है उसमें फ्रेंड्स, तो इसीलिए वो बोतल में आज लगा के गई है। तो एक एक दोनों भाई बहन का ये पॉट तैयार हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अभी। और जितने फूल खिले हुए थे सभी में से एक एक ब्रांच लेके लगाई है। तो फ्रेंड्स, बहुत छोटे से बोतल में है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये वही प्लांट है फ्रेंड्स, देखिए कितने सारे पत्ते इस प्लांट में आ गए और बिल्कुल हरे हो गए हैं। तो मुझे अब पूरा उम्मीद है कि ये पौधा कुछ दिनों में हरे भरे हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए, अपराजिता में बहुत सारे ब्रांच आए हुए हैं। और ये हमारा अनार का पौधा कितना बड़ा हो रहा है फ्रेंड्स। बहुत अभी के टाइम में प्लांट सब बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं फ्रेंड्स, अगर हम मिट्टी अच्छे बना के लगाए हैं। और देखिए सदाबहार में कितने बड़े बड़े साइज़ के फूल आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो वाइट वाला तो ख़राब हो गया, अभी एक ही यही है। और हम इस साइड देख लेते हैं कि कौन कौन से फूल खिले हुए हैं अभी। तो फ्रेंड्स, 2-3 दिन बहुत ज़्यादा धूप रही, आज धूप नहीं है पर बारिश की संभावना लग रही है फ्रेंड्स। मैं कल भी पौधे को पानी नहीं दी क्योंकि मैं 3-4 दिन से थोड़ी बीमार चल रही थी फ्रेंड्स। तो मैं वीडियो पहले बना लेती हूँ जब अभी थोड़ा तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती, तो जब मैं ठीक रहती हूँ उस टाइम मैं वीडियो बना के एडिट करके रख लेती हूँ फ्रेंड्स, और 2-3 दिन के अंतराल में मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो देखिए, मैं कल पौधे को पानी नहीं दी, अब बारिश के बाद जब तेज़ धूप आई है फ्रेंड्स, तो देखिए जितने हरे हरे पत्ते दिख रहे थे वो सारे पीले दिखने लगे। और क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, 3 दिन बहुत ज़्यादा धूप हुई है, जितने भी ग्लोई और जो लीव वाले जितने भी पत्ते थे उसमें वो हरियाली नहीं रही फ्रेंड्स धूप के कारण। अब पुरचुलका बहुत अच्छे से खिल रहा है, तो अभी मैं सारे पौधे को पानी दे दी हूँ फ्रेंड्स। बारिश होगी या नहीं वो आगे जाके देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि संभावना लग रही है पर अभी कह नहीं सकते कि हो ही जाएगी। तो हम लोग ऊपर आए थे तो पानी दे ही दी, क्योंकि फिर नीचे से ऊपर आने का थोड़ा वो भी रहता है कि तबीयत ठीक नहीं रहती है बार बार नीचे ऊपर करना। और देखिए, आज हम यही पौधे हैं कैलेडियम के, इसको मैं गांव से लेके आई थी बल्ब। जब मैं लेके आई थी फ्रेंड्स तो आप सबके साथ मैं शेयर की थी कि मैं गांव से लेके आई हूँ। और देखिए, मैं 2 गमले में लगाई थी फ्रेंड्स, तो इसमें तो बहुत अच्छे ग्रोथ पे उसी टाइम आ गया था, पर दूसरे वाले गमले में बिल्कुल ही ग्रोथ उस टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ गांव का चिकनी मिट्टी है तो उसको मैं हटाई नहीं थी फ्रेंड्स, मिट्टी के साथ ही लगा दी थी। तो वो फिर हमारा जो यहाँ पे मिट्टी मैं जो बनाती हूँ उसमें रेत कंपोस्ट सारा चीज़ मिला रहता है फ्रेंड्स। तो देखिए, अब जाके इसमें भी बहुत बड़े बड़े साइज में पत्ते आ रहे हैं, और इसमें 3 बल्ब लगाई थी तीनों अलग अलग करके। तो देखिए, जो पत्ते ज़्यादा पीले लग रहे हैं उसे मैं हटा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारे गार्डन में फ्री में ऐड हुए हैं। वैसे जो पत्ते वाले पौधे होते हैं फ्रेंड्स, वो हमारे यहाँ काफ़ी महंगा मिलता है, जो गली में लेके आते हैं बेचने के लिए वो काफ़ी महंगे देते हैं फ्रेंड्स। पर ये 2 गमला मेरे पास फ्री में ऐड हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। तो अभी देखिए, थोड़ा इसका पत्ता उतना ग्रीन नहीं लग रहा है तेज़ धूप होने के कारण, पर बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए, इसके पत्ते पे जो ये रेड और वाइट का डिज़ाइन बना हुआ है, तो जिन्होंने ये पौधे नहीं देखे थे फ्रेंड्स, वो पूछते हैं कि आप इस पे कलर डाल देती हो नहीं। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं।
देखिए इसमें बहुत सारे डिजाइन के पत्ते आते हैं फ्रेंड्स। और मार्च के बाद हम दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जुलाई से ये पौधा अच्छे ग्रोथ पे आया है। पर जहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती फ्रेंड्स, वहाँ पे मार्च के बाद इसमें ग्रोथ शुरू हो जाता है। और ये अभी तो मैं पहली बार इसके साथ यहाँ पे हूँ, तो देखूँगी कि कब तक ये इस ग्रोथ में रहता है। वैसे अक्टूबर तक रहना चाहिए, पर उसके जब हम रखेंगे इसके साथ टाइम बिताएंगे तभी हमें पता चलेगा फ्रेंड्स। पर देखने में बहुत ही खूबसूरत ये पौधा लग रहा है फ्रेंड्स। और अब एक बार अगर आप इसे अपने गार्डन में ऐड कर लोगे फ्रेंड्स, तो क्योंकि ये इसके बल्ब अंदर अपने आप बढ़ते रहते हैं, तो जितने मैच्योर बल्ब होगा फ्रेंड्स उसका पत्ता उतने ही बड़ा होगा। और साइड साइड से छोटे छोटे जो बल्ब निकलते हैं वो भी कुछ दिन बाद जाके बड़े हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये फैलते हैं फ्रेंड्स। जब भी लगाना थोड़ा बड़े गमले में लगाना, जिससे कि इसको फैलने के लिए काफ़ी जगह मिल जाए। मिट्टी आप ऐसे बनाना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बताती हूँ कि इतने परसेंट ये उतने परसेंट हो, क्योंकि हम मिट्टी बार बार इतने परसेंट करके नहीं बनाते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए हम एक बार सीजनल जो पौधे लगाते हैं गर्मी के सर्दी के उसमें मिला के डालते हैं फ्रेंड्स, तो ऐसे में हमारा मिट्टी अपने आप ही अच्छा बन जाता है फ्रेंड्स। पर ऐसा रहे कि इसमें पानी ना टिका रहे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी मिट्टी कभी ड्राई नहीं होनी चाहिए। जैसे ही मिट्टी ड्राई होती है फ्रेंड्स, तो इसके पत्ते पीले होने लगते हैं। जो मैं देखी हूँ इस पौधे के साथ वही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बने रहे, ऐसा मिट्टी बनाना और पानी का ख्याल रखना, तो इसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और बहुत सारे डिजाइन में ये प्लांट आते हैं फ्रेंड्स, तो आपको अगर मिल जाए तो ज़रूर ही लगाना। इसके ये नॉर्मल वैरायटी है हमारे यहाँ, ये ऐसे ही अपने आप ही उगते हैं फ्रेंड्स, इसको कोई अपने घर में नहीं लगाता। पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसके पत्ते, मुझे देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए मैं गांव से लेके आई थी। तो इस बार काफ़ी सारे बल्ब लेके आई थी, आप सबके साथ मैं शेयर की थी फ्रेंड्स। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो यहीं थी फ्रेंड्स, और इसमें आप लिक्विड खाद जो सभी पौधे को मैं देती हूँ वहीं इसको भी देती हूँ फ्रेंड्स। तो अभी तो देखिए जैसे बारिश का टाइम है तो अभी लिक्विड नहीं देते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले जैसे मैं दिखाई थी कि जुलाई के टाइम में सारे पौधे को जो मैं खाद बनाई थी, तो इस पौधे को भी मैं दी थी फ्रेंड्स। और उसके बाद अभी कोई खाद नहीं दी हूँ। अभी मैं दो तीन दिन पहले पुरचुलका सबको DAP दी हूँ, अब गुलहर सबको और इस पौधे सबको दे दूंगी फ्रेंड्स। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और हमेशा इसके मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखना फ्रेंड्स। अभी बहुत तेज़ धूप निकलती है बारिश के बाद, तो मिट्टी भी बहुत जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है फ्रेंड्स। और एक बार लाने के बाद बहुत सारे पौधे आप फ्री में बना सकते हो, अपने गार्डन की खूबसूरती बढ़ा सकते हो फ्रेंड्स। तो ऐसे पौधे हमें ज़रूर ही लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो इसके बारे में मुझे जानकारी थी, जो मैं इसके साथ अनुभव की हूँ, वही मैं आप सभी के साथ फ्रेंड्स शेयर की हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को ज़रूर ही पसंद आई होगी। तो देखिए ऐसे खूबसूरत पौधे हमारे गार्डन में ज़रूर ही होना चाहिए फ्रेंड्स। और ऐसे पौधे जो हम एक बार लेके आए, तो वैसे हम ख़रीदेंगे तो इसका बल्ब काफ़ी महंगा मिलता है फ्रेंड्स, मैं एक दो बार पता की थी। तो देखूंगी कहीं पे मुझे अलग पत्ते वाला मिलेगा तो मैं वो भी अपने गार्डन में शामिल करूंगी। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और नीचे से और पत्ते सब निकल रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें फूल भी आते हैं, तो जब ये पौधा ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, इसका बल्ब मैच्योर हो जाता है, तब इसमें फूल आते हैं फ्रेंड्स। पर फूल उतने अच्छे नहीं लगते, तो मैं एक दो बार देखी हूँ तो इसके पत्ते ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड्स। तो हमारे तरफ तो इसको कोई अपने घर में लगाते नहीं हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही लगा रहता है जंगल सा। ये अरबी के पत्ते ये सब वहाँ पे कोई लगाते नहीं हैं, पर हम लोग जब घर से बाहर रहने लगते हैं तो वही चीज़ बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और हम शौकिया तौर पर अपने गार्डन में अपने घर में लगाते हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत पुरचुलका के फूल सब खिले हुए हैं फ्रेंड्स। आज गुलहर में एक ही फूल है,
तो मैं अब जाते समय इसको तोड़ के ले जाऊंगी पूजा के लिए। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो ज़रूर ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, सपोर्ट करो और मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ। फ्रेंड्स आप सब वीडियो देख के वीडियो को लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक किया करो, तभी यूट्यूब आगे वीडियो को भेजेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फ्रेंड्स।